मेरा नाम पहल बजाज है। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है रश्मि रथी। यह कविता राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, जिसमें एक दृश्य को दर्शाया गया है जहाँ भगवान श्री कृष्ण एक दूत बनकर दुर्योधन की सभा में जाते हैं पांडवों की तरफ से मैत्री का प्रस्ताव लेकर। यह दृश्य महाभारत का है। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। तो कविता कुछ यूँ है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहदूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ट पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हा हा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझमय लय है, यह देख गगन मुझमय लय है ये देख पवन मुझमय लय है मुझमें विलीन झंकार सकल मुझमय लय है संसार सकल अमृत फूलता है मुझमें संहार झूलता है मुझमें। उद्याचल मेरा दीप्त भाल भूमंडल वक्षस्थल विशाल मुझ पर ही दिबंध को घेरे हैं मैनाक मेरु पग मेरे हैं दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के अंदर। दृघो तो दृश्य अकार देख मुझमें सारा ब्रह्मांड देख चर अचर जीव जक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित्सर सिंधु मंद शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोटि विष्णु जलपति धनेश शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंड धर लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें हा हा दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन यह देख महाभारत कारण मृतकों से पटी हुई भू है पहचान दुर्योधन इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख पट के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल श्रगन, जिह्वा से करती ज्वाल श्रगन सांसों में पाता जन्म पवन पर जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर मैं जभी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन सोने को साध ना सकता है वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अवरण होगा जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर बरसेगी भू पर वहनी प्रखर पंचशेष नाक का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं वैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे विषबाण बूंद से छूटेंगे वायश श्रृगाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा हिंसा का परदाई होगा थी सभा सन सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े केवल दो नर ना गाते थे धित्राश विदुर सुख पाते थे कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय दोनों पुकारते थे जय जय दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद।